हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ख़राब पड़े फ़ोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं दोबारा। इसमें कौन सी पार्ट होती है जो हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि हमारी अपडेट्स आपके पास पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस फ़ोन को खोल लेते हैं। हम खोल लिया फ्रेंड्स, अगर ये आसानी से ना खुले तो इसमें हम पेचकस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आराम से खोल लेंगे ताकि कोई वायरिंग ना टूटे। फ्रेंड्स, ये वाइब्रेटर है और ये स्पीकर है। ये है सिम स्लॉट का एरिया, ठीक है। उसके बाद ये है डिस्प्ले, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको निकाल लेंगे आराम से। फ्रेंड्स, डिस्प्ले में जो LED लाइट होती है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहले हम ऐसे चेक कर लेंगे नॉर्मल कि डिस्प्ले चालू है कि नहीं। डिस्प्ले तो ऑन हुई नहीं, एक बार कनेक्शन चेंज करके देख लेते हैं। इसमें मैंने 9 वाट की बैटरी का यूज़ किया है पावर ऑन करने के लिए। देखिए, ये इसका डिस्प्ले ख़राब है, ये चल नहीं रहा, या मदरबोर्ड भी ख़राब हो सकता है। अब हम इसकी LED लाइट की चेक कर लेते हैं। पहले वाइब्रेटर को चेक कर लेते हैं। पहले ये वाइब्रेटर ओके है। अब स्पीकर को चेक कर लेते हैं कि स्पीकर ऑन है कि नहीं या ख़राब हो चुका है। फ्रेंड्स, देखिए स्पीकर में से भी आवाज़ आ रही है, स्पीकर भी ओके है। तो अब डिस्प्ले को चेक करेंगे, इसकी LED को। पहले हमने डायरेक्ट कनेक्शन किया था, अब इसको थोड़ा अच्छे से वायरिंग करके देखते हैं कि वो डिस्प्ले ऑन है कि नहीं। एक बार फिर कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, सपोर्ट करो फ्रेंड्स। एक बार फिर ऑन करने की कोशिश किया मैंने डिस्प्ले को, लेकिन ऑन नहीं हो रहा फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, इसमें आप ख़राब कोई भी फ़ोन जो मैसेज पड़ा हुआ है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें से अपने काम की चीज़ें निकाल सकते हैं दोबारा यूज़ करने के लिए। देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है डिस्प्ले में। चलिए अब चेक करते हैं, इसको निकालते हैं पूरा। ये निकाल लिया मैंने आराम से। अब स्पीकर को अच्छे से निकाल लेंगे ताकि इसका जो वायरिंग है वो ना टूटे, ठीक है। अब स्पीकर को काट लेंगे, स्पीकर के वायर को, और डिस्प्ले भी निकाल लेंगे। डिस्प्ले के अंदर जो मोम और ग्लास होता है उसको हम हटा लेंगे ताकि उसकी LED को हम यूज़ कर सकें। इसमें फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, एक ही LED लाइट है। इसमें छोटा फ़ोन है इसलिए, अगर एंड्रॉयड होता तो उसमें 5-6 लाइटें होती हैं, LED लाइटें। इसको हम चेक करेंगे, इसकी LED लाइट को, अभी नहीं जला, कनेक्शन उल्टा करके देखते हैं। चल नहीं रहा अभी भी। फ्रेंड्स, देखिए ये जल गया है, ये इसकी LED एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस LED का यूज़ कर सकते हैं एक LED पैनल बनाने के लिए। पहले इसको अच्छे से निकाल लेंगे, इसकी LED को, और फिर से चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जल रही है बहुत अच्छे से, इसकी रोशनी बहुत अच्छी है, और इसको हम रख लेंगे बाद में काम के लिए। फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने बनाया है उसी LED से। अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं, अच्छे से देखना चाहते हैं कि कैसे बनेगा, तो आई बटन पर अभी क्लिक करें और देखें कि कैसे बनता है। थैंक यू फ्रेंड्स, इसमें आप अपने नाम का स्टिकर भी लगा सकते हैं।